हेलो फ्रेंड्स, कोविड का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, इज़ कि कॉन्टैक्ट्स का कैसे करना है। अगर एक मेरे घर में अगर एक बंदे को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो बाकी घर वालों को मुझे कैसे मैनेज करना है, उनका टेस्ट कब कराना है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिजीज का एक चीज होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि अगर मेरी बॉडी में आज कोरोना गया है, अगर सपोज मैं आज किसी से मिला और वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था और मैंने उससे कोरोना आज एक्वायर किया है, तो मेरी बॉडी में जो कोरोना बिल्डअप होगा वो धीरे धीरे करके मेरी बीमारी बनेगी। कोरोना ऐसा नहीं है कि अंदर जाते ही असर करना शुरू कर देगा, तो वो मेरी बॉडी के अंदर जो वो डेवलप होगा, बिल्ड होगा, उस पीरियड को हम मेडिकली इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो अब हमें जो हमारा कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उस पीरियड में ही हमें सिम्टम आएगा। जब वो मेरा बिल्ड हो चुका है, इंक्यूबेशन पीरियड जब पूरा हो चुका है, तभी मुझे सिम्टम आएंगे और तभी मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड एग्जैक्टली अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं, जो एक मेडिकल साइंस को जो एक कोरोना का आइडिया है, उसके हिसाब से 5 to 14 days के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आज किसी कोरोना पेशेंट से मिला हूँ, मेरा लास्ट एक्सपोजर, सपोज मेरे घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया, मैं उसके साथ तो रह ही रहा हूँ, उससे हर रोज मिल भी रहा हूँ, तो जब मैं उससे लास्ट डे मिला हूँ, उस डे को मैं अपना, उस डे से आगे 5 से 14 days के बाद मैं अपना कोरोना टेस्ट कराऊंगा। जैसे कि अगर मैं लास्ट किसी से फर्स्ट महीने की पहली तारीख को मिला हूं, तो मैं 5 से लेके 14 डेट के बीच में अपना कोरोना टेस्ट कराऊंगा। तो 5 बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है, 14 कभी कभी लेट होता है, तो हम नॉर्मली पेशेंट्स को कहते हैं अपना 7 to 8 days के बीच में, 7 या 8 डे के बीच में आपके लास्ट एक्सपोजर से अपना कोरोना टेस्ट कराइए। और अगर बीच में आपको कभी भी सिम्टम आने लगे कि आपको 3rd डे के बाद ही आपको लगा कि मुझे बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, मेरी स्मेल की पावर जा रही है, गले में दिक्कत हो रहा है, तो मैं अपना इमिडिएटली सिम्टम आते ही अपना टेस्ट इमिडिएटली करा सकता हूँ। तो ये दिस वॉज अबाउट द टेस्ट। टेस्ट में कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एंटीजन करें या RT-PCR करें। एंटीजन टेस्ट जो होता है उसकी सेंसिटिविटी 50% होती है, मतलब कि वो 50% चांस है कि आपके कोरोना को पकड़ेगा। तो अगर वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है, तो उसका मतलब आपको कोरोना है। लेकिन अगर वो टेस्ट आपका नेगेटिव आता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है, आपको उसे PCR से चेक करना पड़ता है। तो कुछ पेशेंट जिनको ये होता है कि यार पैसे, PCR टेस्ट कॉस्ट 2400 रुपीज़, तो अगर ये है कि मुझे 2400, अगर घर में 6 लोग हैं तो सबका मैं 2400 2400 रुपये करके स्पेंड करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि एंटीजन टेस्ट मोस्टली हर मैक्सिमम जगह फ्री में हो जाता है, तो हम अपना एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया, एंटीजन टेस्ट तभी करिए जब सिम्टम हो, सिम्टम के टाइम पे उसके पॉजिटिव आने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर मेरे को एंटीजन पॉजिटिव आ गया, तो मुझे PCR करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आता है और मुझे डाउट है कि मुझे कोरोना हो सकता है, तो मैं अपना PCR से चेक कर सकता हूँ। और घर वालों को, सबको आइसोलेटेड रहना होता है। अगर घर में एक पेशेंट कोरोना का आ गया और घर में 5 लोग हैं टोटल, तो कोरोना पेशेंट तो आइसोलेट हो ही गया है, बट बचे हुए 4 लोगों को भी अपना मैक्सिमम आइसोलेशन या मास्क पहन के एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि क्या हो सकता है कि मान लो कोरोना पेशेंट ने किसी एक रिलेटिव को कोरोना दिया और बाकी 3 को नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जिसको दिया अभी उसको सिम्टम नहीं है, लेकिन वो बाकी 3 लोगों को ना दे दे। तो हमें जो हमारा कॉन्टैक्ट है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको आइसोलेटेड रहना है, ताकि कोरोना पेशेंट से ए को, ए से बी को, बी से सी को ऐसे फैलता हुआ ना जाए। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के लिए कोई दवाई नहीं होती है। कुछ पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब प्रिकॉशन के लिए कोई दवाई ले सकते हैं, जिंक ले लें, लिमसी ले लें, विटामिन सी ले लें, क्या इससे हमारा कोरोना हमने शायद एक्वायर नहीं होगा? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कॉन्टैक्ट को बस अपना आइसोलेट होना है, मैक्सिमम आइसोलेशन 2 वीक्स के लिए होना है। 8-9 डे के बाद आप अपना टेस्ट करा के, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको शायद कोरोना एक्वायर नहीं हुआ है, बट फिर भी हम 2 वीक्स का आइसोलेशन कॉन्टैक्ट को बोलते हैं। ये आप अपना 2 वीक्स अपना आइसोलेटेड ही रहिए। थैंक यू।